मैं तो मजाक कर रही थी, अब जरा हंस भी दो। क्या हंसूं, मुझ पर क्या बीत रही है, तुम क्या जानो। ऐसा क्या सोच रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगी। कहां गई हो? इधर आओ, देखो महारानी आ गई। आरती की थाली लेके आओ और इसकी आरती उतार। हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाने गई थी उसके साथ। उस राजा के पीछे भाग कर गई, हमारी कोई परवाह नहीं है तुझे। मत छोड़ो ना दीदी को, क्यों मार रही हो? दीदी की तरफदारी कर रही है, तरफदारी कर रही है। छोटी लड़की होने से अच्छा होता कि हम लड़का होकर पैदा होते। आओ पापा मारो मुझे, फिर भी जी नहीं भरता तो काट डालो मुझे, फिर भी मैं वही करूंगा। क्यों रे, क्या पागलपन कर रही है तू? हीरे जैसा लड़का है वो और उसे छोड़ के तू राजा के पीछे भाग रही है? अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है तुझे? प्यार, राजा तो मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरा अपना बन चुका है। हे भगवान, दुख हो या सुख हो, मुझे उसके साथ ही जीना है। नहीं जी, सामने हाथ जोड़ते हो, ऐसा मत कीजिए। नहीं पापा, पापा बात सुनिए। पापा ये ले, पकड़ इसे, पकड़, छोड़ दो, काट डाल, काट डाल हम दोनों को। क्या कर रहे हो पापा? अपनी जिद पूरी करने से पहले हम दोनों को मार दे, आज एक नया इतिहास बनने दे। जन्म देने वालों को मार कर दो प्रेमी एक हो गए। ले ले, मार दे हमें। नहीं पापा। तुझे बचपन से लेकर बड़ी होने तक इस कलेजे से लगाकर पाला है तुझे, आज तू अपनी जिद पर अड़ी है। तुझे हमारा दर्द नहीं दिखाई देता। एक भिखारी को अपने दिल में बिठाकर उसे ही अपना सब कुछ मान चुकी हो। महलों की घी की रोटी से तो गरीबों के आंसुओं की रोटी अच्छी होती है। गरीबों के घर में प्यार होता है, लेकिन अमीरों के वहां सिर्फ नफरत होती है, जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पापा, उनको कुछ कहने से पहले जरा सोच ले, तेरी नजर में वो गलत हो सकते हैं। घर आकर रिश्ता मांगने वालों के यहाँ जाके ना कैसे कहूँ, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब जाइए, मैं समझाती हूँ। अब जाइए। कमली बेटी, ऐसा क्यों कर रही है तू? हर माँ बाप यही चाहते कि उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो, तो वक्त की रोटी वो खुशी से खाए, तो माँ बाप को और क्या चाहिए। अपने बाप को गलत मत समझ बेटी, तू अगर अपने जिद पे अड़ी रहेगी तो तेरा बाप जिंदा नहीं रह पाएगा। माँ, सच बता, मुझे जन्म देने वाला बाप यही है क्या? कमली, जाओ माँ, जाके जहर ले आओ, मैं और जीना नहीं चाहती। बेटी, जीने की इच्छा होती है इंसान तभी कुछ करने की सोचता है। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? उस सूरज को देखो, आज डूब रहा है, कल वो फिर से उदय होगा। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है, तुम जरूर जीतोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर कर दिखाओगे। धीरे से। हाँ, अरे छोड़ो मुझे, मैं अपने बल पर ही चलूंगा। एक पैर से किले पे चढ़कर दिखाऊंगा तुम्हें, चाहे हड्डी टूट जाए। एक पैर से? पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हो जाओ, फिर एक पैर से चढ़ना। अगर मैं एक पैर से किले पे चढ़कर दिखा दूं तो? हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि नहीं चढ़ सकते, चढ़ोगे। बदकिस्मती पीछे ही नहीं छोड़ रही है, गिरने के बाद भी जिंदा हूँ मैं। कुछ साबित करने के लिए नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश में आज कई लोग गलत कदम उठाकर जेल में सजा काट रहे हैं, तब भी वो हिम्मत नहीं हारते। सुन रहे हो ना तुम? धरती पर बोझ बनकर दूसरों के सहारे जिंदगी बिताना भी कोई जिंदगी है क्या? मतलब कि कोई कामयाब नहीं हो पाया तो मर जाओ? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? हमेशा बहती हुई नदी की तरह रहा करो। ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है। दिल भी बिल्कुल वैसा ही है। नामुमकिन को मुमकिन करने के बारे में सोचो, फिर देखना तुम ही जीतोगे। मेरी तुमसे यही एक्सपेक्टेशन है। मेरी जिंदगी में से कई दौर आए और चले भी गए। ए, फिर से वही बातें। औरों को तकलीफ देना ही मेरी जिंदगी बन गई है, और तुम मेरी सेवा में दिन रात एक कर रही हो, मुझे लगता मैं भी तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। अरे बहुत गलत सोच है। हे बंदर, इधर देखो। देखा तुमने, इस इंसान के दोनों पैर नहीं है, फिर भी इसने अपनी लाइफ को कैसे चैलेंजिंग बनाया है। तुम भी ऐसे ही बनो, मैं यही चाहती हूँ। कभी कभी मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है,
लगना काफी नहीं है, उसे तुम्हें चैलेंज समझना होगा और उस चैलेंज को तुम्हें जीतना ही होगा। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, चढ़ो तुम आराम से, कर लोगे तुम। ए, ए, सपोर्ट। हाँ, पकड़ो उसे, पकड़ो। यस, कम ऑन, कम ऑन राजा, चढ़ते रहो। वेरी गुड, आराम से, आराम से राजा। ए, केयरफुल केयरफुल। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे राजा। वेरी गुड, अब नीचे आओ, नीचे आओ, ध्यान से संभल कर राजा। यस, वेरी गुड। सुपर राजा, ठीक हो ना तुम राजा? हाँ ठीक हूँ मैं। जब मेरा पैर फिसला तब मैंने सोचा कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, तुमने मुझे फिर से बंदर बना दिया। ये सब तुम्हारी कोशिश का फल है। राजा, लाइफ में तुमने किसी से प्यार किया है क्या? हाँ। अच्छा, कौन है वो? मेरे पिता से, मेरी माँ से, ये चट्टान, ये खंबा, ये पत्थर, ये पहाड़, ये महल, इन सब से मैंने प्यार किया है। सबसे सबसे प्यार किया है मैंने। अरे, मेरे कहने का मतलब है कोई लड़की आई है क्या लाइफ में तुम्हारी? मेरी सूरत देखकर कोई लड़की नहीं आती, जो भी देखती है वो धतूरा समझकर चिढ़ाकर चली जाती है। इसका मतलब तुम्हारे दिल में कोई नहीं है? जो आंखों के सामने आते हैं वो दिल में नहीं बसते, और जो दिल में बसते हैं वो आंखों के सामने नहीं आते। अरे वाह, तुम तो शायर बन गए हो बंदर। अच्छा तो मैं कहाँ हूँ? अरे राजा, कहाँ जा रहे हो? अरे अरे, मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताओ तो सही। अरे कहाँ चढ़ रहे हो? अभी नीचे आओ। अरे राजा सुनो तो, नीचे आओ, नीचे आ जाओ। अरे मेरे पास का जवाब कहाँ से दोगे क्या? बताओ प्लीज। अरे आ जाओ नीचे। सुनो सुनो सुनो। अगर मैं हनुमान होता तो सीना चीर के दिखा देता। कमली, तुम मुझसे इतना डरती क्यों? डर नहीं, नफरत। मैं तेरा होने वाला पति हूँ, जल्दी पति बन जाऊंगा, या ये समझ ले बन गया। ये भ्रम है तुम्हारा, यहाँ से जाते हो या नहीं? तुम गुस्से में और भी प्यारी लगती हो, मेरा कहा मान लोगी तो चला जाऊंगा। सब शादी के बाद सुहागरात मनाते हैं, हम सुहागरात पहले मनाएंगे। तेरे जिस्म की खुशबू मुझे पागल बना रही है। ए, काट के रख दूंगी। मेरा जिस्म और ये दिल राजा की अमानत है, सपने मत देख। मैं सब जानता हूँ तू किस तरह की लड़की है, शादी हो जाने दे तब तुझे बताऊंगा। क्या करेगा तू? तू कुछ नहीं कर सकता, तूने मेरे साथ कुछ कर भी लिया तो मेरी लाश के साथ होगा। तुझे जितना घमंड है सब उतार दूंगा। सपने देखना भूल जा, ऐसा हाल करूंगी किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देख पाएगा। चल जा यहाँ से, जा, जाता है या नहीं? जीजू, दीदी, क्या हुआ? बच क्या मेरे हाथ से?